সেল 100 টাকা, জানাবেন 100 টাকা, সেল 100 টাকা, এই সেল সেল সেল। कोलकाता का नाम सुन के सबके दिमाग में बस दो ख्याल आते हैं, रसगुल्ला और दुर्गा पूजा। मेरे दिमाग में आता है आर्ट। यहाँ गली गली में कोई ना कोई कहानी छुपी है और यहाँ बसे आर्ट और कल्चर से ये शहर अपने आप को काफी अलग बनाता है। तो इस एपिसोड में हम कोलकाता के ओल्ड वर्ल्ड चार्म को एक्सप्लोर करेंगे द टॉक एंड ट्रैवल वे। सुबह के 5 बजे और मैं जा रही हूँ कोलकाता देखने के लिए और आपको मेरे साथ कोलकाता दिखाने के लिए। तो दिन की शुरुआत करते हैं मौलिक घाट से, जो एशिया का सबसे बड़ा फ्लावर मार्केट है। यहाँ काफी अलग अलग वैरायटीज के फ्लावर्स देखने मिलेंगे और यहाँ के फ्लावर्स यूरोप तक एक्सपोर्ट होते हैं। सुबह के वक्त यहाँ आकर चहल पहल देखने का अलग ही मजा है। कोलकाता में ब्रेकफास्ट करने का भी अपना ही कुछ अलग अंदाज है, खासकर तब जब आप कोलकाता से ना हो, बिल्कुल मेरी तरह। मैं पहुंच गई एक छोटे से रेस्टोरेंट में टू ट्राई समथिंग दैट्स वेरी लोकल टू कोलकाता। So the only place you can have rasgulla and gulab jamun for breakfast shamelessly without feeling guilty is in Kolkata. So cheers to that. Aur isi baat pe मोर्तली, जहाँ पे ये एक पॉटर्स का एरिया है, बट यहाँ पे बहुत सारे आर्टिसन भी रहते हैं। आपको ये बहुत ही यूनिक जगह है टू कम, बिकॉज दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ बाजार यू सी एवरी डे ऑन अ डेली बेसिस, और शॉपिंग बाजार, इट्स वेयर द मूर्तिज आर एक्चुअली मेड। सच एन इंट्रीगिंग प्लेस टू बी, दिस इज, मतलब ऐसा कुछ मैंने पहले अपनी लाइफ में नहीं देखा। आई कैन ओनली इमेजिन कि दुर्गा पूजा के पहले ये कितना ही ये जगह कलरफुल लगता होगा, बिकॉज जो मूर्ति आए यहाँ पे बनती होगी एंड दे स्टार्ट पेंटिंग इट राइट देन। अभी फिलहाल जो बनी हुई है मूर्तियाँ, आई विल शो यू दैट एंड आई शो यू सम ऑफ द अदर थिंग्स दैट हैपन अराउंड इन कुमारतली। ये लोकेलिटी 300 साल से भी ज्यादा पुरानी है और यहाँ क्ले आइडल्स के अलावा देवी को पहनाने वाली जो ज्वेलरी है वो भी बनती दिखेगी, या फिर देवी के फेस वाला कुलो, जिसे हिंदी में सुपड़ी कहा जाता है। किताबों का शौक रखते हो? Well, अगर ना भी हो तो यहाँ आकर किताबों से प्यार हो ही जाएगा। मैं बात कर रही हूँ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेकेंड हैंड बुक मार्केट की, कॉलेज स्ट्रीट की। पढ़ाई की किताबों से लेकर नॉवेल्स या फिर कोई भी टॉपिक कह लो, यहाँ सब मिलेगा। मुझे तो ऑनेस्टली पुरानी किताबों की वो कंफर्टिंग खुशबू बहुत पसंद है। So,
Raz Gupta and Company जो College Street पे ही एक store है and this store is super super old. It was established in the 18th century. तब से लेके आज तक it's there and it has over 2 lakh books. कोई भी topic कह लो, anything at all, they have everything over here. और कॉलेज स्ट्रीट पर ही कोलकाता के सबसे बड़े आइकॉनिक कैफे में गए हो, यहाँ आकर ऐसा लगता है कि वक्त रिवाइंड हो चुका है और किसी 60s के ओल्ड वर्ल्ड चार्म कैफे में आ पहुंचे हो। इंडियन कॉफी हाउस डेट्स बैक टू द प्री इंडिपेंडेंस इरा। यहाँ सिंपल टेबल चेयर्स और हाई सीलिंग आपको काफी विंटेज वाइब देगी। ऑल्सो यहाँ के वेटर्स का यूनिफॉर्म जरूर नोटिस करना। इंडियन कॉफी हाउस में आकर यहाँ की कोल्ड कॉफी इज अ मस्ट। पानी पूरी, पुचका, गोलगप्पा या फुल्की कह लो, नाम कहीं लेकिन फीलिंग वही। और यार कोलकाता के आइकॉनिक स्ट्रीट्स पर खड़े होकर यहाँ का ऑथेंटिक पुचका नहीं ट्राई किया तो फिर क्या किया। और एक खाने के बाद बस फिर तो रुका ही नहीं जाता। आज का दिन काफी इवेंटफुल रहा एंड टू एंड द डे ऑन अ सूदिंग नोट मैं आ गई हूँ प्रिंसेप घाट। यहाँ आकर आपको ग्रीक आर्किटेक्चर वाली फीलिंग आएगी। ब्रिटिशर्स इस जगह को एक जेटी पॉइंट के तौर पर यूज करते थे और आज भी यहाँ आकर प्री इंडिपेंडेंस वाली ही वाइब आएगी। कोई भी दिन को एंड करने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं मिलेगी। राइडिंग अक्रॉस द हुगली विद अ ब्यूटीफुल हावड़ा एज अ बैकड्रॉप इज जस्ट परफेक्ट ड्यूरिंग सनसेट। After resting the next day, अगले दिन मैं रात को निकल पड़ी to paint the city red. कोलकाता में रात को ड्राइव करके कुछ जगह एक्सप्लोर करने में आपको बिल्कुल ही अलग वाइब मिलेगा। Lit up roads and monuments make for the perfect nighttime skyline. किसी भी शहर को नजदीक से जानने के लिए इसके कोई भी बिजी स्ट्रीट पर चले जाओ, जैसे मैं आई हूँ धर्मतोला स्ट्रीट पर, जहाँ रात को भी इतनी चहल पहल है। ये स्ट्रीट्स कपड़े, लोगों और जंक ज्वेलरी से भरी मिलेगी और यहाँ आपके बार्गेनिंग स्किल्स को टेस्ट करने का भी बेस्ट मौका मिलेगा। और यहीं पर मिलेगा कोलकाता का ओल्डेस्ट मार्केट हॉग्स मार्केट, वेयर यू कैन शॉप टिल यू ड्रॉप। पर अगर आपको शॉपिंग डिच करके मेरी तरह एक फूड वॉक लेना है तो वेल कीप वॉचिंग। कोलकाता आकर निजाम के रोल्स ट्राई करना तो बनता है। 1937 में एस्टैब्लिश किए गए इस रेस्टोरेंट्स में काठी रोल्स ओरिजिनेट हुआ था। अपने बिजी कस्टमर्स को ना खोने के चक्कर में फर्स्ट काठी रोल को यहां बनाया गया था विद द थॉट दैट पीपल कुड जस्ट पैक इट अवे एंड ईट इट ऑन द गो। लेकिन आज हम इसे ट्राई ही नहीं करेंगे बल्कि इनके किचन में जाके देखेंगे हाउ ऑल द मैजिक एक्चुअली हैपेंस। तो निजाम के रोल बनते हुए तो आपने देख लिया, नाउ इट्स टाइम टू एक्चुअली सैंपल वन। मेरा चिकन काठी रोल है एंड आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड टू गिव इट अ ट्राई। सो
इन्होंने जो नींबू इसमें डाला हुआ है दैट इज लिटरली लाइक किलिंग इट एंड द चिकन इज सो सॉफ्ट इट्स सो नाइस दिस प्लेस एक्चुअली लिव्स अप टू द हाइप जो सब लोग बोलते हैं निजाम की काठी रोल डेफिनेटली डू कम एंड ट्राई इट आउट नेक्स्ट लेवल और कुछ भी तीखा चटपटा खाने के बाद कुछ मीठे की क्रेविंग किसे नहीं होती ट्राई आउट देयर फिरनी टू एंड योर मील ऑन अ हैप्पी सैटिस्फाइंग नोट हियर इज अ साइट दैट एवरीबॉडी शुड बिहोल्ड आई कैन नॉट बिलीव कि मैं विक्टोरिया मेमोरियल के सामने खड़ी हूँ इस टाइम पे रात के टाइम पे इतना खूबसूरत लग रहा है लाइटों के साथ आई गाइस लाइक टू सी इट वैसे यहाँ पे रात के टाइम पे एक्चुअली कभी भी पुलिस खड़े रहने देती नहीं है यहाँ से निकाल देती है बट मैं अभी फिलहाल गाड़ी की इमरजेंसी लाइट्स ऑन करके जस्ट खड़ी हूँ जस्ट टू गेट सम शॉट्स फॉर यू गाइस बिकॉज ये तो यार मिस नहीं करना चाहिए विक्टोरिया मेमोरियल एट नाइट इज बियॉन्ड ब्यूटिफुल कोलकाता की हर गली में कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग खाने को तो मिल ही जाता है एंड दिस इज समथिंग आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई प्राण पाखी मोरुई राजा खाचा There's no way Kolkata आके मैं दही कुछ नहीं ट्राई करने वाली थी एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम मेकिंग अ कंसेप्शन मैंने कभी दही कुछ आज तक ट्राई किया नहीं है बट आई वाज रेकमेंडेड एंड आई एम गोइंग टू गिव इट अ ट्राई नाउ लेट्स सी व्हाट दिस इज लाइक इट्स अ नॉर्मल कुछका बट विद अ लॉट ऑफ दही इट्स बेसिकली नॉर्मल कुछका इनटू 100 फिरनी तो खा ली थी लेकिन रात अभी बाकी है एंड उसके साथ साथ हमारा फूड टूर भी नेक्स्ट स्टॉप इज द मोस्ट पॉपुलर बलराम मौलिक जहां यू विल लूज योरसेल्फ इन मिठाई हेवन 136 ईयर ओल्ड ये शॉप एक लेजेंडरी जगह है हु हैज मास्टर द आर्ट ऑफ ऑथेंटिक बंगाली मिष्टी मेकिंग हियर आर सम ऑफ माय फेवरेट्स जो आपको भी जरूर ट्राई करने चाहिए नंबर वन हैज टू डेफिनेटली बी द बेक्ड रसगुल्ला मुंह में डालते ही मानो इट जस्ट स्मेल्स विद इन अ सेकंड ट्राई द चॉकलेट सॉन्देश कोकोनट डेजर्ट मैंगो दोए या फिर ब्लूबेरी दोए पेट भर चुका था लेकिन मन नहीं सो आई कैरीड होम अ बिग डब्बा ऑफ पैकेज्ड रसगुल्लास इस रात का आखिरी स्टॉप मेरी तरफ से एक डेफिनेट रिकमेंडेशन है वी आर एट बलवंत सिंह ढाबा जिसकी चाय पीकर आपको चाय की मानो लत ही लग जाएगी इवन इफ यू आर एट अ टी ड्रिंकर चाय यहाँ अलग तरीके से बनती है यूजिंग अ डबल बॉइलिंग मेथड दैट गिव्स इट द ऑथेंटिक टेस्ट एंड ऑफ कोर्स कुल्हड़ से मजा और भी डबल हो जाता है But let's try this kulhad wali chai. रात के 12 बजे चाय पीने की मजा ही कुछ अलग है. खैर कोलकाता में हमारा सफर बस यहीं तक का था यहाँ आने पे लगा कि जैसे एक पीरियड फिल्म के सेट पर आ गई हो यहाँ की हर नुक्कड़ गली में कोई हिस्ट्री या कहानी छुपी है स्ट्रीट शॉपिंग से लेकर ताजे फूल ऑथेंटिक बंगाली फ्लेवर्स से लेकर ब्यूटिफुली हैंडक्राफ्टेड साड़ीज कोलकाता हैज इट ऑल ऑल आई वॉन्ट टू से बिफोर लिविंग इज ओ कोलकाता आमी तुम्हारे खूब भालोबाशी क्या मुन बोका मुंटारे